अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आप सबको न्यू न्यू वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज कॉकटेल को लेके आए हैं बाहर फ्री फ्लाई देने के लिए। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ स्पेशल एक सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को, क्योंकि अभी आपको दिखाते हैं जनाब, ये देखें, ये ब्लैक कैट जिसे आम लफ्ज़ों में चील बोलते हैं, एक ये घूम रही है और ये देखें जी, एक ये घूम रही है, एक ये ब्लैक काइट यानी कि जैसे आम लफ्ज़ों में चील बोल लिया जाए, और दूसरे वाली ये है। और ये दुश्मन है पैरट्स के, जो छोटे पैरट्स होते हैं जैसे कॉकटेल्स, लव बर्ड्स, बजीज वगैरह। तो जब भी फ्लाइंग करवाएं ओके कर लें कि कौवे और चील ये आसपास ना हो, अगर हुई तो आप नुकसान उठा सकते हैं अपने बर्ड्स का। अभी मैं भी इसलिए वेट कर रहा हूँ कि ये ज़रा दूर चली जाएं और कोई बंदा आ जाए, कोई बच्चे, चलो कौवे भी अगर पीछे लगे हैं तो ज़रा उनको भगा लिया जाए ताकि मेरे कॉकटेल को पकड़ ना लें। ठीक है, सर, ये मैं वेटिंग कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि देखें जी, ये आपके सामने छोटा फ्री फ्लाई किया है, काफ़ी क्लिप्स हैं इसके, वीडियोज़ पूरी पूरी हैं, मैं बाइक के साथ उड़ाया है इसको, और वैसे ही फ्री फ्लाई अभी भी इसको ये करवाते हैं। अगर इस तरह का ट्रेन करना चाह रहे हैं तो मैं न्यू कॉकटेल एक ट्रेन कर रहा हूँ, शायद कल उसकी वीडियोस डाली आप लोगों ने देखी भी हो, तो साथ साथ मैं जो भी बातें कर रहा हूँ पिक करें, सीखें। और जिस तरह ये अब फ्री फ्लाई करेगा इंशाल्लाह उसको भी वैसे ही करवाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी पैरट पालते हैं तो आप भी उसी तरीके से बर्ड्स को फ्री फ्लाई करवा सकेंगे अपने पैरट को। तो कोई भी वीडियो मिस ना कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी देख सकें और सीख सकें बर्ड फ्री फ्लाइंग। अब इंशाल्लाह ये देखें आपके सामने इसको उड़ाया जाएगा इसी तरीके से, जब जो नया बच्चा मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से फ्री फ्लाई करवाया जाएगा। और इसी तरीके से आप भी अपना कोई भी पैरट शैरट को या कबूतर को फ्री फ्लाई दे सकते हैं, ठीक है। और ये है फीमेल है यानी कि इसकी सिस्टर ही है, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि घर के हद तक टेम है। जैसे एक टेम टेम बर्ड अलग होता है यानी कि वो बाइट नहीं करता, हाथ पे बैठता है, और फ्री फ्लाई अलग होता है कि यानी कि जो उड़ता भी है और हाथ पे भी आता है, फ्री फ्लाई करता है। जिस तरह ये मेल है वो है टेम है, बाइट शायद नहीं करती, हाथ पे बैठी रहती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बाइट फ्री फ्लाई के काबिल नहीं है। मुझे पता है कि उसने गुम हो जाना, इसलिए मैं उसका रिस्क नहीं लेता, उसको खुला नहीं उड़ाता कि अगर गुम हो गया तो 100 टेंशन बन जाती है। इसलिए इंशाल्लाह इस पर पूरी उम्मीद है, और आपने देखी भी है इसकी फ्री फ्लाई, इसको दिया जाएगा। और आप भी जितनी भी वीडियोस आएँ उसको गौर से देखा करें, समझा करें ताकि आप भी सीख सकें पैरट्स फ्री फ्लाई। इंशाल्लाह आप नया कॉकटेल ट्रेन कर रहे हैं, उम्मीद है वो भी इसी तरीके से काम करेगा जिस तरह ये है। चलिए जी, कॉकटेल को फ्री फ्लाई देने लगे हैं, दोस्त को बुलाया है जगह सिक्योरिटी के लिए कि कौवे शवे अगर पीछे आ जाएँ तो उनको भगाया जाए ताकि इसको नुकसान ना कोई पहुँचाएँ। और अभी छोड़ने लगे हैं अपने कॉकटेल हीरो को। हीरो 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 आ जा, अरे उधर छोड़ मेरी तरफ इस ऐसे। ये देखें जी, ये हीरो साहिब आ गए हैं बाहर, और उम्मीद है कोई कौवे चीले नहीं है, और अल्लाह खैर करेगा। चल हीरो दिखा दे अपना जलवा, चल। ये देखें जी हीरो की फ्लाइंग, हट, कौवा आया पीछे, हाँ इन्होंने बस डराना कौवियां, कौवे देखें जी फौरन से पीछे आ गए हैं, ये घूम रहे हैं इसके ऊपर। आजा 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 ऐसे। तो सबसे ज़्यादा इनको जो ख़तरा होता है ना वो कौवों से और चीलों से होता है। ये देखें जी ये घूम रहा है इसके ऊपर ऊपर ही, बड़े हरामी होते हैं, मैं पाल चुका हूँ तो इनसे थोड़ा सा बचना बचाना पड़ता है। और अक्सर यही होता है लोगों का, यार मेरा तोता कौवे ने पकड़ लिया, चील ने मार दिया, तो ये चीज़ें हैं। इनसे बस जब भी देखें कि आसपास, वो देखें जी कौवा पार्टी काफ़ी उड़ रही है उधर, शायद नज़र आ रही हो आपको, तो इनसे थोड़ा सा सिक्योरिटी करनी पड़ती है। और अभी ये बैठते हैं तो इसको दोबारा एक फ्लाई देते हैं। और ये देखें जी हीरो है। इसी तरीके से इंशाल्लाह आप थोड़ी सी मेहनत करें, फोकस करें बर्ड के ऊपर,
आपके बर्ड फ्री फ्लाई करेगा जिस तरह ये देखें अब आपके सामने खुला छोड़ा है और मेल बनाएं, इसी तरीके से इंशाल्लाह दूसरा जो छोटा बर्ड भी है जो कॉकटेल्स है उसको भी ट्रेन करेंगे, साथ साथ आपसे सारी वीडियो शेयर करेंगे जैसा कि दो ऑलरेडी मैं आपसे वीडियो शेयर कर चुका हूँ। और सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ कि ये देखें जी कौवे काफ़ी उड़ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये सारे एक दफ़ा बैठ जाएं उसके बाद इसको छोड़ते हैं। ये आ रहे हैं, उड़ी ना अभी, खतरा है तेरे लिए, चले जाएं ये सारे एक दफ़ा बैठ जाएं ना, तो उसके बाद इसको फिर एक चक्कर लगवाते हैं अपने हीरो को। इंशाल्लाह इसी तरह बजीज लव बर्ड्स और दूसरे अपना क्या उन्हें कह लें बड़े बर्ड अफ्रीकन ग्रेज और मकाओ को भी इंशाल्लाह फ्री फ्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर है, थोड़ी सी मेहनत है वो आप करें इंशाल्लाह कोई भी बर्ड्स पेट्स आप ट्रेन कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, ठीक है। और चला जाए यार ताकि मैं इसको उड़ा सकूं। तू कहाँ बीच में टांग उड़ा रहा है, जा तो रहा है, हीरो भी बेताब है कदा चक्कर लगाने को, ध्यान करी उन। अच्छा जी मेरे ख्याल में सारा बैठ गए हैं एक दफ़ा, चल हीरो एक और चक्कर लगा दे, चल मोबाइल के ऊपर नहीं बैठना, फ्लाई करके दिखाना फिर मोबाइल, ये के मोबाइल अभी तो फिलहाल मोबाइल के ऊपर ही आ रहा है, ये देखें आज थोड़ा सा मोटा मोटा है, आज उस दिन जब नया नया शुरू किया था बड़ी अच्छी फ्लाई कर रहा था, कोई 2-3 मिनट उड़ा है, आज तो फ़ौरन से ही ज़रा मेरे ख्याल में हवा चल रही है, शायद हवा की वजह से थोड़ा सा परेशान है, आज हवा काफ़ी तेज़ है, ये गया अभी थोड़ा सा लंबा निकला है। ये फिर निकल गया, ये सीधा हाथ के ऊपर चले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो गई, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आखिरी राउंड, चल माशाल्लाह, तो यही चीज़ें हैं, यही ट्रेनिंग है जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। और बाकी कोई भी जो न्यू मैं बच्चा ट्रेन कर रहा हूँ उसकी वीडियो मिस ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप मिसिंग करते हैं कोई ना कोई पार्ट रह जाता है ट्रेनिंग का, फिर आप कहते हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, हालाँकि मैं तफसीलन 8-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सब कुछ सीख सकें और कोई बात आपसे छुपी ना रहे और आप हर चीज़ के बारे में जान सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।